बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से जारी हिंसा और तनाव के बीच खरगोन के मंडलेश्वर नगर परिषद के वार्ड 14 की पार्षद हाजी साबिर खान पठान की बेटी साबिया खान पठान 6 अगस्त को सुरक्षित भारत लौट आई। साबिया बांग्लादेश के मिर्जापुर स्थित कुमुदिनी महिला मेडिकल कॉलेज में MBBS की फाइनल ईयर की छात्रा है। साबिया ने बताया कि 17 जुलाई से बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद पूरे देश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अचानक लगे कर्फ्यू के कारण बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। साबिया के कॉलेज परिसर को सुरक्षित माना गया, लेकिन ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में अराजकता का माहौल था। साबिया ने कहा, हम भाग्यशाली थे कि हमारे कॉलेज का प्रबंधन हमारी परेशानियों को समझ रहा था, प्रशासन की ओर से नियमित अपडेट मिल रहे थे और कैंपस में आवश्यक सेवाएं जारी थी। हालांकि कई दिनों तक हम भारत में अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सके। भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभाई। साबिया और अन्य भारतीय छात्र उच्चायोग के मदद हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क में थे। जब 4 अगस्त को स्थिति और गंभीर हो गई, जो भारत उच्चायोग के छात्रों को निकालने के लिए कदम उठाया। साबिया ने बताया, कॉलेज प्रबंधन और उच्चायोग ने छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश की। 5 अगस्त की रात में हमें पुलिस गश्ती वाहनों के जरिए ढाका हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया, लेकिन संकट के कारण निर्धारित उड़ानें रद्द हो गई थी, जिससे हमें हवाई अड्डे पर रात बितानी पड़ी। भारतीय उच्चायोग के अफसरों ने 6 अगस्त को नई दिल्ली के लिए उड़ान फिक्स की, जिससे सभी 22 छात्रों को सुरक्षित घर वापसी हो सकी। अब मंडलेश्वर लौटकर साबिया अपनी पढ़ाई पूरी करने की योजना बना रही है।